अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मां कामाख्या चरण सेवा समिति की ओर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा बाटरवर्क्स के अग्रवन से शुरू होकर शहर के विभिन्न विभिन्न इलाकों से होती हुई शास्त्रीपुरम के जेसीबी ग्राउंड पर पहुंचेगी। इस यात्रा में सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया है। 10 फरवरी से महायज्ञ का आयोजन भी होगा। आज जैसा कि आपको जानते हैं कि 14 साल बाद जब रामचंद्र जी आए थे तो उनके आयोजन में अयोध्या वासियों ने खुशी होकर दीपक जलाए थे। आज तो हमारे राम जी 500 साल बाद आ रहे हैं, उन्हीं के लिए आज जगह जगह भव्य शोभा यात्राओं का आयोजन हुआ रहा है। इसी तरीके से हमारे कामाख्या पीठ परिषद के द्वारा भी आज रामचंद्र जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो कमला नगर से सेंट जॉन से होते हुए लास्ट में हमारे शास्त्रीपुरम चौराहे ओबीसी चौराहे पर पहुंचेगी। और बहुत ही हर्षोल्लास का समय है, चारों तरफ सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो रहा है। आप देख रहे हैं वातावरण भी कितना सकारात्मक हो चुका है और राम भगवान की आगवानी की जा रही है और उसी आगवानी के उस लक्ष्य में हमारी विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। श्री राम अयोध्या में विराजमान 22 तारीख को प्राथमिकता के उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा 21 तारीख 1 जनवरी 2024 को श्री कीर्तिनाथ महाराज जी के सानिध्य में संरक्षक में यह शोभा यात्रा अग्रवन से शास्त्रीपुरम ग्राउंड यज्ञ स्थल तक निकाली जा रही है। इसमें सभी साथी बहनें माताएं इस राम शोभा यात्रा में सबका साथ है, सबका सहयोग है। श्री माँ कामाख्या चरण सेवा समिति की ओर से सभी शहरवासियों को कल राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये शोभा यात्रा अग्रवन वाटर वर्क से श्री कीर्तिनाथ महाराज जी जो असम गुवाहाटी से आए हुए हैं उनके सानिध्य में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये शोभा यात्रा जो है वो आगरा की एक भव्य शोभा यात्राओं में से एक होगी, जिसमें कि लाइव सबसे आगे जो चल रहा है वो सुंदरकांड का पाठ चलता रहेगा। आगे पीछे चार पांच झांकियाँ हैं। ये कमला नगर होते हुए विजयनगर होते हुए हरिपर्वत मध्य कटरा तरकुंज कारगिल पश्चिमपुरी के बाद शास्त्रीपुरम जो आगामी 10 फरवरी से यज्ञ शुरू होने वाला है, महायज्ञ हो रहा है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहाँ जेसीबी ग्राउंड पे ये समापन होगा इसका।